चलो केले बांटने में मोंकू की मदद करें। चीनू चीनू इधर आओ, देखो तुम्हारी किताबें सब तरफ फैली हुई हैं। आओ इन्हें ठीक से रखें। मैं बस 2 मिनट में आया। चीनू तुम अपने कंचों से बाद में भी खेल सकते हो, पहले अपनी किताबों का ध्यान रखो। अब इधर आओ। अच्छा अच्छा मैं ठीक से रखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो चीनू? तुम अपनी किताबें कैसे रख रहे हो? बस मेरे पास 8 किताबें हैं, तो मैं 2 ढेर बना रहा हूँ। प्रत्येक ढेर में 4 समान किताबें हैं। देखो प्रत्येक ढेर में 4 समान किताबें हैं, तो 8 को 4 किताबों वाले 2 ढेरों में बांटा है। 8 को 2 भागों में बांटा है, फिर यह 4 हो जाएगा। हाँ, दोनों ढेरों को देखो, प्रत्येक में 4 किताबें हैं, तो यहाँ कुल 4 जमा 4 = 8 किताबें हैं। तो जब हमें 8 को 2 बराबर ढेरों में बांटना है, तो प्रत्येक ढेर में 4 होंगे। अच्छा, पेड़ पर बैठे इन पक्षियों को देखो, वे कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ कुल 10 पक्षी हैं, मगर वे 2 झुंडों में बैठे हैं। प्रत्येक झुंड में 5 पक्षी हैं। जब 10 पक्षी 2 झुंडों में बराबर बैठे हैं, तो प्रत्येक झुंड में 5 पक्षी होंगे। उन प्यारे फूलों को देखो मीनू, यहाँ कुल 12 फूल हैं। यहाँ फूलों के 2 गुलदस्ते हैं, प्रत्येक गुलदस्ते में 6 फूल हैं। इधर आओ बच्चों, क्या इन बटनों के समूह बनाने में मेरी मदद करोगे? देखो मेरे पास 20 बटन हैं, मुझे इन्हें 4 कमीजों में लगाना है। मुझे प्रत्येक कमीज में कितने लगाने चाहिए? दादी माँ, इन 20 बटनों को मुझे 4 बराबर भागों में बांटने दो। आपकी प्रत्येक कमीज में 5 बटन लगाने होंगे। तो जब हम 20 बटनों को बराबर 4 भागों में बांटेंगे, तो हमारे पास प्रत्येक भाग में 5 बटन होंगे। दादी माँ, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? मैं उदास हो रहा हूँ। अच्छा, अब तुम सब इधर आओ, मैं तुम्हें 2 बेवकूफ बिल्लियों की कहानी सुनाती हूँ। एक बार 2 बिल्लियाँ थी, उन्हें सड़क पर एक समोसा मिला। वे दोनों उसे खाने के लिए लड़ने लगी। एक चालाक बंदर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। वो नीचे आया और उसने कहा कि वो उनकी मदद कर सकता है। बिल्लियाँ तो बहुत खुश हुई, उन्होंने समोसा बंदर को दे दिया। बंदर ने समोसे को 2 भागों में बांटा और प्रत्येक बिल्ली को 1-1 दे दिया। एक बिल्ली को लगा कि दूसरी को ज्यादा हिस्सा मिला है,
तो बंदर ने कहा कि बड़े भाग में से वो थोड़ा सा खाकर उन्हें बराबर कर देगा। अब उस बिल्ली को लगा कि उसका हिस्सा छोटा हो गया है। उसने बंदर से शिकायत की। तब बंदर ने दूसरी बिल्ली के हिस्से में से थोड़ा सा खा लिया। ऐसा ही चलता रहा और अंत में पूरा समोसा समाप्त हो गया। इस तरह बंदर ने वो पूरा समोसा खा लिया। दादी माँ, वे कितनी बेवकूफ बिल्लियाँ थी। उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था। देखा, उन्हें अंत में कुछ भी खाने को नहीं मिला। चीनू, मीनू, जल्दी आओ, मैंने मोंकू और अन्य बंदरों को लड़ते देखा है। आओ चलकर देखें कि समस्या क्या है। मोंकू, क्या समस्या है? तुम लड़ क्यों रहे हो? देखो चीनू, हमारे पास 9 केले हैं। चिंपू, गोंपू और मैं इन्हें बांटना चाहते हैं। हमें पता नहीं कि यह कैसे करें। मुझे केले दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम चालाक बंदर की तरह ये सभी केले खा लोगे? जो 3 से भाग देने पर मिला 3, मुझे लकड़ी दो बस, मैं लिख कर बताती हूँ। 9 भाग 3 बराबर 3। हम इसे इस तरह लिखते हैं, मतलब जब 9 चीजों को 3 लोगों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 3 चीजें मिलेंगी। ओह, अब मुझे पता चला, 9 भाग 3 बराबर 3। हमारे पास 12 मूंगफलियां हैं। मीनू, क्या तुम इन्हें भी बांटने में मेरी मदद करोगी? जरूर मोंकू, पहले मैं प्रत्येक को एक एक दे दूंगी। मेरे पास 9 मूंगफलियां बच गई। मैं तुम सबको एक एक और देती हूँ। अब यहाँ 6 मूंगफलियां हैं।
दोबारा एक एक और लो। अब 3 बज गई। तुम सभी एक एक और ले सकती हो। तो अब प्रत्येक के पास कितनी मूंगफलियां हैं? हम सभी के पास 4 मूंगफलियां हैं। मीनू, तो हम 3 के बीच 12 मूंगफलियां बांटने पर प्रत्येक को 4 मिली। ठीक कहा, यह है 12 को 3 से भाग यानी 4। अब मैं इसे लिखती हूँ। हम इसे ऐसे लिखेंगे। बारह भाग 3 बराबर 4। मोंकू उस बंदर के छोटे बच्चे को देखो। मुझे लगता है उसे भी थोड़ी मूंगफली चाहिए। तुम्हें उसके साथ भी मूंगफली बांटनी चाहिए। अच्छा, हम उसके साथ भी बांटेंगे। चलो हम सब मीनू को मूंगफलियां वापस करें। गोम्पू, चिंपू, अपनी अपनी मूंगफलियां मीनू को वापस दे दो। मीनू, अब तुम्हारे पास फिर से 12 मूंगफलियां हैं। क्या अब तुम इसे हम 4 में बांटोगी? हाँ मोंकू, छोटे बंदर इधर आओ। मैं अब तुम सबको एक एक मूंगफली देती हूँ। ये लो। अब मेरे पास 8 मूंगफलियां बच गई हैं। मैं तुम सबको एक एक और देती हूँ। अब मेरे पास 4 मूंगफलियां हैं। अब एक एक और लो। मोंकू, बताओ कि तुम सबके पास अब कितनी मूंगफलियां हैं? मीनू, हम सबके पास 3-3 मूंगफलियां हैं। तो जब 12 मूंगफलियों को हम 3 के बीच बांटा गया तो प्रत्येक को 4 मूंगफलियां मिली। मगर जब उन्हीं 12 मूंगफलियों को हम 4 में बांटा गया तो प्रत्येक को 3 मूंगफलियां मिली। ठीक कहा मोंकू। तो बारह भाग 3 बराबर 4। और 12 भाग 4 बराबर 3। बारह भाग 3 बराबर 4 और 12
भाग 4 = 3। अच्छा मोंकू, अब इन चीजों के लिए मत लड़ो। तुम्हें हमेशा चीजों को बांटना चाहिए। अब मुझे केले और मूंगफली को देखकर भूख लगने लगी है। क्या अब हम घर चलें? हाँ, आओ चलो घर चलें। मुझे भी भूख लगी है। अच्छा मोंकू, अलविदा। उधर देखो, सीता चाची लकड़ियों के कुछ गट्ठर बनाने की कोशिश कर रही है। आओ चलकर उनकी मदद करें। नमस्ते सीता चाची, क्या हम आपकी मदद करें? नमस्ते बच्चों, मेरे पास 16 लकड़ियां हैं। मैं बराबर संख्या की लकड़ियों के गट्ठर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सीता चाची, हम आपकी मदद करेंगे। पहले हम प्रत्येक गट्ठर में एक लकड़ी रखेंगे। मीनू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें 4 गट्ठर बनाने हैं? सीता चाची के पास 16 लकड़ियां हैं। मैंने अपने मन में 16 सोचा और जानने की कोशिश की कि यह पहाड़ों में कहाँ आता है। पहाड़े? ओ, वह जो हमने पहले सीखे थे। मैं भी सोचता हूँ, 16 4 के पहाड़े में आता है। 4 × 16। ठीक कहा, इसीलिए मैं 4 समूह बना रही हूँ। तो प्रत्येक समूह में 4 लकड़ियाँ होंगी। पहले मुझे रखने दो। देखो, मैंने प्रत्येक समूह में 4 लकड़ियां रखी हैं। 4 + 4 + 4 + 4 = 16। या हम कह सकते हैं कि 4 × 4 = 16। ठीक कहा, तो प्रत्येक समूह में बराबर लकड़ियां हैं। तो जब 16 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। मुझे पता है यह कैसे लिखना है, मुझे जमीन पर लिखने दो। यह है 16 × 4 = 4। सीता चाची, आपके पास लकड़ियों के 4 गट्ठर हैं। प्रत्येक गट्ठर में 4 लकड़ियां हैं। तो प्रत्येक गट्ठर में बराबर संख्या में लकड़ियां हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे बच्चों। फिर मिलेंगे सीता चाची। दादी माँ, हम वापस लौट आए। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप हमारे लिए थोड़ी पूरियां बना देंगी? मुझे पता है कि तुम सबको भूख लगी है। मैंने पहले से ही थोड़ी पूरियां बना ली हैं।
आओ मैं तुम्हें दूं। मुझे पूरियों की खुशबू आ रही है दादी माँ। ओह कितनी सारी पूरियां, मुझे गिनने दो, यहाँ कुल 9 पूरियां हैं। मुझे पता है यहाँ 9 पूरियां हैं, इन्हें हम तीनों में बराबर बांटना है। मुझे 9 भाग 3 करना है जो है 3, तो हर एक को 3 पूरियां मिलेंगी। नहीं, हम इन्हें बराबर क्यों बांटे? बस तुम्हें मुझसे कम पूरियां मिलेंगी। मगर मुझे भूख लगी है। चीनू, अगर वह भूखा है तो उसे भी खाने दो। हमने अभी मोंकू को बताया कि हम सबको सभी चीजें बराबर बांटनी चाहिए, तो अगर बस भूखा है तो हमें उसे भी बराबर हिस्सा देना चाहिए। तो यहाँ 9 पूरियां हैं, इन्हें हमें 3 में बांटना है। यह है 9 भाग 3 यानी 3। तो प्रत्येक को 3 पूरियां मिलेंगी। चीनू, चलो इन मोतियों से चूड़ियां बनाते हैं। देखो यहाँ 18 मोती हैं। बस अगर इन्हें हम तीनों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने मोती मिलेंगे? ओहो, मैं यह कैसे करूं? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें 18 भाग 3 करना है, जो होगा 6। अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों है। 6 गुणा 3 बराबर 18। तो जब हम 18 को 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 6। बिल्कुल ठीक, हम में से प्रत्येक को 6 मोती मिलेंगे। मीनू, कल मैं साहिल, जीतू और जोसेफ के साथ कंचे खेलने गया। हमारे पास 28 कंचे थे। क्या तुम्हें इन्हें बराबर बांटना आता है? हाँ चीनू, हर एक को 7 कंचे मिलेंगे। मीनू रुको, कैसे? बस उनके पास 28 कंचे हैं। वे 4 लोग थे, चीनू, साहिल, जीतू और जोसेफ। तो यह हुआ 28 भाग 4 बराबर 7। इसीलिए प्रत्येक को 7 कंचे मिले। मैं भी इसी प्रकार उत्तर जांचता हूँ। 4 7 28। बस उन निशानों को देखो, वे हमारे चूजों के पैरों के निशान हैं। आओ उन्हें गिने। ये 10 निशान हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ से कितने चूजे गए हैं? यहाँ 10 निशान हैं। ये जरूर 10 चूजे थे। बस तुम सच मुझ बेवकूफ हो। एक चूजे की कितनी टांगे होती हैं? ओ नहीं, उनकी 2 टांगे होती हैं। ओ अब मुझे पता चला, यहाँ 10 पैरों के निशान हैं। प्रत्येक चूजे के 2 पैर होते हैं। तो यह हुआ 10 भाग 2 यानी 5।
तो यहाँ से 5 चूजे गए हैं। तुम समझदार हो बस। ओ नहीं, अब हम अपनी चूड़ियाँ नहीं बना सकते, हमारे पास तार नहीं है। आओ शीला के घर चलें, उसके पास तार है, हम उससे थोड़ी तार ले आते हैं। मीनू देखो, लोगों ने मंदिर जाने के लिए अपनी चप्पल उतार दी है। मुझे गिनने दो, यहाँ 16 चप्पलें हैं। मंदिर के अंदर कितने लोग हैं? बस क्या तुम बताओगे? हाँ मैं बता सकता हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ। यहाँ 16 चप्पलें हैं, सभी लोग 2-2 चप्पलें पहनते हैं, तो यह हुआ 16 भाग 2 यानी 8। मंदिर के अंदर 8 लोग हैं। उन चाचा को देखो, वे डिब्बे में जलेबियां डालने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते चाचा, क्या हम आपकी मदद करें? नमस्ते बच्चों, देखो मैंने 40 जलेबियां बनाई हैं। मैं इन्हें इन 10 डिब्बों में डालना चाहता हूँ। प्रत्येक डिब्बे में बराबर जलेबियां डालने के लिए मैं प्रत्येक डिब्बे में कितनी जलेबियां डालूं? मैं आपको बताता हूँ चाचा, ये है 40 भाग 10 यानी 4। तो आपको प्रत्येक डब्बे में 4 जलेबियां डालनी हैं। धन्यवाद बच्चों। ओह, 40 भाग 10 बराबर 4। मुझे पता है, 10 × 4 बराबर 40। यह बहुत आसान है। तो 30 भाग 10 बराबर 3, फिर 80 भाग 10 होगा 8। ठीक कहा बस। दोस्तों, चीजों को बांटने में मजा आता है, तुम भी और कोशिश करो। क्या तुम ये कोशिश करोगे? 15 भाग 3 हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, यह हुआ 5। अब बताओ 15 भाग 5 कितना हुआ? तुमने फिर से ठीक बताया, यह हुआ 3। क्या यह जादू सा नहीं है? पंद्रह भाग 3 बराबर 5 होता है और 15 भाग 5 बराबर 3 होता है। यह जादू नहीं है, भाग करना मजेदार है। दोस्तों, पहाड़े आते हों तो भाग करना और भी मजेदार हो जाता है, तो आप पहाड़े याद करते रहो। क्या चित्र को देखकर उत्तर दोगे? यहाँ गुब्बारे हैं, यहाँ 9
गुब्बारे हैं। वे समूह में हैं। वे तीन समूह में हैं। प्रत्येक समूह में गुब्बारे हैं। प्रत्येक समूह में तीन गुब्बारे हैं। यहाँ कुल चूजे हैं। यहाँ कुल 12 चूजे हैं। वे समूह में हैं। वे तीन समूह में हैं। प्रत्येक समूह में चूजे हैं। प्रत्येक समूह में 4 चूजे हैं। यहाँ कुल फूल हैं। यहाँ कुल 8 फूल हैं। वे समूह में हैं। वे 4 समूह में हैं। प्रत्येक समूह में फूल हैं। प्रत्येक समूह में 2 फूल हैं। क्या हम 2 बराबर समूहों में बांटने में बस की मदद करें? आठ गेंदे। यहाँ प्रत्येक समूह में 4 गेंदे हैं। बारह पेंसिलें। प्रत्येक समूह में 6 पेंसिल हैं। दस फूल।
प्रत्येक समूह में 5 फूल हैं। अठारह पत्ते। प्रत्येक समूह में 9 पत्ते हैं। क्या अब हम इन्हें मिलाएं? 6 भाग 2 3 8 भाग 4 2 12 भाग 3 4 20 भाग 4 5 18 भाग 3 6 आओ अब भाग करने में बस की मदद करें। 8 भाग 4 2 14 भाग 7 2 24 भाग 6 4 20 भाग 4 5 28 भाग 4 7 आओ खाली स्थान भरने में तितली की मदद करें। 15 भाग 3 बराबर 5 15 भाग 3 बराबर 5 18 भाग 6 बराबर 3 18 भाग 6 बराबर 3 भाग 5 बराबर 4
बीस, बीस भाग पांच बराबर चार। चौबीस भाग बराबर छः। चार चौबीस भाग चार बराबर छः। भाग चार बराबर तीन। बारह बारह भाग चार बराबर तीन। अस्सी भाग बराबर आठ। दस अस्सी भाग दस बराबर आठ। सोलह भाग चार चार। सोलह भाग चार बराबर चार। इक्कीस भाग बराबर सात। तीन इक्कीस भाग तीन बराबर सात। भाग सात बराबर दो। चौदह चौदह भाग सात बराबर दो। चौबीस भाग बराबर आठ। तीन चौबीस भाग तीन बराबर आठ।